हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हमारी ये अगली CDP की क्लास है। इससे पहली क्लास में काफ़ी ज्ञान मैं आपको दे चुकी थी, तो आज हम डायरेक्ट अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बस एक चीज़ को बताने के बाद कि एक व्हाट्सएप नंबर है 8638008832, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर अपना नाम लिखकर आप व्हाट्सएप कर देना। आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है? ये एक चीज़ थी। और आज के हम क्वेश्चंस अपने डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, मतलब इससे पहले इसी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि पियाजे एंड वाइगोत्स्की पर हम क्वेश्चन रखेंगे। अब एक दो वीडियोज़ और आपकी पियाजे एंड वाइगोत्स्की पर ही होंगी, क्योंकि पियाजे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप अपने स्टेट का भी कोई एग्जाम दे रहे हैं। केवीएस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कोई भी CDP का कोई भी चीज आती है ना अगर आपके एग्जाम में, तो मतलब पियाजे को करना हम नहीं भूल सकते हैं, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है आराम से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना पियाजे वाइगोत्स्की आता है। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू डिफाइन सोशियो कल्चरल लर्निंग, ठीक है? तो भाई, जो सोशियो कल्चरल लर्निंग जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग क्या सोशियो कल्चरल लर्निंग है, ये बच्चे के जीवन में क्या रोल निभाती है, उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है? तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट लर्न्स द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ अदर्स। तो बताइए कि सोशल लर्निंग कल्चरल लर्निंग ये कहती है कि बच्चा जो है सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को सीखता है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कि सोशल कल्चरल नॉर्म्स को सीखता है। ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, वो तो खैर बच्चा सीखता ही है, लेकिन सोशल कल्चरल लर्निंग जो वाइगोत्स्की की थी वो विशेष रूप से इसके बारे में बात नहीं करती है, ठीक है? ए लर्निंग प्रोसेस दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ पीयर ऑफ देयर पीयर्स, ठीक है? मतलब बच्चे अपने दोस्तों के सोशल और कल्चरल सांस्कृतिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है? हम दोस्त पहले बना लेते हैं, बैकग्राउंड की तो बात हम करते ही नहीं है। जब हम दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, उसमें हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसका बैकग्राउंड क्या है। द इम्पैक्ट दैट सोशल कल्चरल नॉर्म है वो स्टूडेंट्स, भाई सोशल कल्चरल नॉर्म्स का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, ये कहती है थ्योरी? जी नहीं, ये नहीं कहती है, ठीक है? भाई बच्चे पर अच्छा बुरा हर तरीके का असर पड़ता है, ठीक है? लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, इसका रोल क्या है बच्चे की लर्निंग में, वो बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यह विचार कि किसी छात्र का वातावरण उसके सीखने में भूमिका निभाता है। भाई वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो है ये अकेला नहीं सीखता है, इसके साथ जो है हेल्प करते हैं, इसके पीयर्स हो सकते हैं, इसके माता पिता हो सकते हैं, इसके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है? इसके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं जिनके साथ मिलकर वो सीखता है। मतलब कि बच्चे की डेवलपमेंट को जो है ये लर्निंग जो है पुल करती है, मतलब एक तरह से खींचती है। तो ये लर्निंग जो है सोशल लर्निंग कहां से होती है, या आपकी सोशियो कल्चरल जो एनवायरमेंट होता है वहां से लर्निंग होती है, बच्चा यहां से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब वो ये नहीं कहते कि बच्चा पैसिव है, कहते वो यही है कि बच्चा बहुत एक्टिव है, लेकिन उसकी इस लर्निंग में, उसके कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में जो है सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? ये मत कहना मुझे बहुत इजी है, एक आधे इजी क्वेश्चन तो मैं दूंगी, है ना? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा फील होता है जब वो एक क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे गलत कर रहे हो और फिर एकदम से वो ठीक करते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मतलब टेस्ट भी हम जब देते हैं ना, क्लास में टेस्ट देते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं, स्लो लर्नर्स का भी ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिनके मतलब अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम 4-5 नंबर तो लाए ना। तो इस तरह की सोच के साथ मैं ये क्वेश्चन डालती हूँ, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज, तो कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है? फटाफट से आंसर करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबव, यानी कि 11 साल से ज्यादा का बच्चा जो है ऐड हो जाता है किसमें, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज ए नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन, दिस इज अटेंडेड फ्रॉम। तो ये चीज़ें किसने बोली है, मतलब किसकी थ्योरी की बात यहाँ पर हो रही है, कि सांस्कृतिक रूप से जो है जो लर्निंग है वो जरूरी है, ठीक है? और वो एक सार्वभौमिक एस्पेक्ट है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। अगर डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शंस, तो मतलब जो ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ये सांस्कृतिक रूप से ऑर्गेनाइज होते हैं, और लर्निंग जो है इसी का एक नेसेसरी पार्ट है, ठीक है? ये आपको बताना है किसने बोला था, क्योंकि यहाँ पे कल्चर आ गया है, तो आप लोगों ने खैर पहचान
ही लिया होगा, है ना, वाइगोत्स्की की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वैसे अगर मैं आपको ये नहीं बताती कि टॉपिक पियाजे एंड वाइगोत्स्की है, तो हो सकता है कि आप सोशल लर्निंग थ्योरी जो है बैंड्रा के उसके साथ भी कन्फ्यूज हो सकते थे, या फिर दो चार नाम आपको ऐसे मिल जाते जो कन्फ्यूजिंग होते। लेकिन अब आपको पता है कि हम पियाजे और वाइगोत्स्की कर रहे हैं, तो आंसर कुड बी पियाजे और वाइगोत्स्की, है ना, तो ये हो सकता है। खैर जो भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की, क्योंकि आपको पता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी उन्हीं की थी, मतलब सोशल कल्चरल थ्योरी, नॉट सोशल लर्निंग थ्योरी, सॉरी, वो बैंड्रा की थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्टेड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डज नॉट गो एंटायरली स्मूथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस सिद्धांतकार ने ये बोला था कि भाई बच्चों की जो लर्निंग है, बच्चों की जो थिंकिंग है, वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती है, बच्चों की जो सोचने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से स्मूथ प्रोसेस में नहीं चलती है। ये किसने बोला था? ठीक है, ये डेवी ने बोला था, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, या मारिया मोंटेसरी ने, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर करो इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पियाजे ने कहा था कि बच्चों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं होता है, बल्कि उसमें रुकावटें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान सकते हैं, देखिए पियाजे का जो सिद्धांत है ना, वो इस तरह से चलता है, ये स्टेज वन है, ये स्टेज टू है, ये स्टेज थ्री है, ये स्टेज फोर है। ठीक है, यहाँ तक बच्चा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, पहले उसको पहले स्टेज टू पे जाना पड़ेगा, थ्री पे जाना पड़ेगा, तभी वो फोर पे जाएगा। और हर स्टेज की अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, है ना, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर करके बच्चा यहाँ पे पहुँचता है। तो लोग प्रॉब्लम्स ही आ गई तो फिर स्मूथ प्रोसेस कैसे हुआ, है ना, मतलब स्मूथ प्रोसेस को तो ये है कि भाई चलता जा रहा बिना रुकावट के। और ये बोला किसने था, ये अगर ये आए ना कि स्मूथ किसने बोला था, तो आपको आंसर लगाना है वाइगोत्स्की ने, क्योंकि जितने भी थ्योरिस्ट है जिन्होंने स्टेजेस नहीं दी है, उन्होंने ये कहा है कि स्मूथ चलता है, और जितने भी थ्योरिस्ट है जो कहते हैं कि स्टेज वाइज है, तो उनका डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस अगर पूछा जाए ना कि स्मूथ चलता है या कंटिन्यूअस है, तो जिन्होंने भी थ्योरी नहीं दी है वो सब कंटिन्यूअस में आते हैं, और जिन्होंने भी थ्योरीज दी हैं, जिन थ्योरीज ने, तो उनकी डेवलपमेंट जो है बच्चे की, उनके अकॉर्डिंग वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, क्यों, ऑब्वियसली स्टेज है ना, तो एक स्टेज की बाधाओं को पार करेगा तभी तो दूसरी स्टेज पे पहुंचेगा, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे बिलीव दैट, पियाजे क्या सोचते थे, मतलब पियाजे का क्या मानना था, ये आपको बताना है। तो फटाफट ऑप्शन पढ़ो और मुझे आंसर करो। लर्निंग प्रिसीड्स डेवलपमेंट, सीखने की प्रक्रिया विकास से पूर्व हो जाती है। ठीक है, ये कहा था क्या? उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, हम सामाजिक संपर्क और भाषा से शुरुआत कर रहे हैं, ये कहा था। नॉलेज इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, तो ज्ञान जो है सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, ये कहा था। वी कैन मैनिपुलेटेड द सेंसरी वर्ल्ड, या हम संवेदी दुनिया में हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा था, तो ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने कहा था कि हम जो सेंसरी वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जिसकी हम सेंस कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, जिसकी चीज़ों को हम छूकर देख सकते हैं, है ना, इस चीज़ को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे तभी एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होगा। जब तक आप बच्चे के हाथ में चीज़ें देंगे नहीं, जब तक बच्चे को आप इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे चीज़ों से, ठीक है, जब तक बच्चा उन चीज़ों को करके नहीं सीखेगा, तो वो किस तरह से नॉलेज कंस्ट्रक्शन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है एक्टिव चाइल्ड है, और अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है किसके थ्रू, बाय मैनिपुलेटिंग द सेंसरी वर्ल्ड। भाई मैनिपुलेट करता है चीजों को, ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, ऑब्जेक्ट्स को देखता है। यहां पर मैनिपुलेट का मतलब होता है कि उन चीजों के साथ डील करता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरह से समझ बनाने की कोशिश करता है, कुछ उनकी समझ को समझता है, और इस तरह से बच्चा जो है अपने आप अपनी नॉलेज जो है क्रिएट करता है। तो ये बताया था। देखिए लर्निंग प्रिसीड्स डेवलपमेंट, ये वाइगोत्स्की का कहना था कि लर्निंग पहले हो जाती है, डेवलपमेंट बाद में होती है, लेकिन पियाजे इसका उल्टा बोलते हैं। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होती है, उसके बाद लर्निंग होती है। कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए बच्चा, संज्ञानात्मक रूप से जो है सक्षम होना चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ सीख सकता है। अगर भाई 11 साल के स्टेज तक, 11 साल की एज तक नहीं पहुंचा है बच्चा, तो बच्चा आपका कंक्रीट ऑपरेशन में ही रहेगा, वो आप फॉर्मल ऑपरेशन में उसको नहीं ला सकते, ये पियाजे का कहना था। ठीक है, और ये सब चीज, ये दोनों चीजें तो आपको पता ही है वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज्ड बाय द टीचर बाय, तो ये आपका प्रॉपर पेडागोजी का क्वेश्चन है कि भाई कंसेप्शनल डेवलपमेंट जो है, मतलब बच्चों में संकल्पनाओं का विकास जो है, कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट जो है, वो कैसे एनकरेज किया जा सकता है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, तो आप फटाफट पढ़ो और आंसर करो। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, बच्चों को याद करने के लिए बोलें। गिव ऑल पॉसिबल रीजनिंग्स, सभी संभावित तर्क दें आप। ठीक है, जिस तरह के भी तर्क बनते हैं सारे तर्क दें आप।
गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू स्टूडेंट्स एंड इंकरेजिंग देम टू यूज रीजनिंग, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे और उनको एनकरेज करें कि आप रीजनिंग करो, ठीक है। गिविंग नो एग्जाम्पल टू लिंक न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई लिंक ना प्रोवाइड करें, नहीं नई चीज़ों का कोई उदाहरण मत दो, डायरेक्ट उनको सीखने दो, ये बोला था, ठीक है। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। ये तो हटाई दो, रोट मेमोराइजेशन तो बोला ही नहीं, ठीक है। और इसमें कहा था एग्जाम्पल ही मत दो, तो ये भी हटा दो, दो तो एलिमिनेट हो गए सबसे पहले। अब बचे ये दोनों, तो इसमें कहा है कि सभी तरह के तर्क दो, यहाँ पर सिर्फ टीचर तर्क दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों को एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और उनको एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप भी तर्क वितर्क करो, ठीक है। दोनों ऑप्शन में ये डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिएटिव अप्रोच टू लर्निंग, यानी कि सीखने का जो रचनात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग की बात नहीं हो रही है, मतलब सीखने की जो रचनात्मक प्रक्रिया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ये आपको बताना है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये है। तो नॉलेज इज एक्वायर्ड इन ए पैसिव फॉर्म, तो नॉलेज जो है एक निष्क्रिय रूप में प्राप्त की जाती है। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल सिनर्जी इन कॉन्सेप्ट्स, छात्र संकल्पनाओं में आपसी तालमेल स्थापित करने में असमर्थ हैं। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द चिल्ड्रन, मतलब छात्रों द्वारा ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित किया जाता है। या स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रिलेट न्यू आइडियाज टू प्रीवियस, या फिर वो नए आइडियाज को प्रीवियस से मिला नहीं पाते हैं। तो जो क्रिएटिव अप्रोच है लर्निंग की वो क्या कहती है, ठीक है। जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगा मुझे, मतलब ईजी होगा ये आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो मतलब एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, आपके केवीएस में भी आते हैं, आपके डी ट्रिपल एस में भी आते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना कि ये सिर्फ सीटेट में पढ़े जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपको पता नहीं, जो शुरुआत करते हैं ना, जो लोग इतनी साइकोलॉजी से और इन चीज़ों से डील नहीं करते, उनके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन क्वेश्चन और बचे हैं आपके आज के, तो पढ़िए क्वेश्चन और फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज वाइगोत्स्की व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई वाइगोत्स्की क्या कहते थे संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करो इस क्वेश्चन का। दे फाउंड दैट डेवलपमेंट इज जेनेटिक, मतलब ही फाउंड, आया था आना चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। ही फाउंड दैट डेवलपमेंट इज जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड, उन्होंने पाया कि विकास जो है अनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होती है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है। ही फाउंड डेवलपमेंट एज ए सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स सीरीज ऑफ लर्निंग स्टिमुलेशन सीरीज, उन्होंने विकास को सीखने की उद्दीपन श्रृंखला के अनुक्रम प्रत्युत्तर सहचार्य के रूप में पाया, ठीक है। नेक्स्ट है, ही प्रपोज्ड दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द चाइल्ड्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ही सो डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट ऑफ मैचुरेशन ड्यूरिंग इट्स रफ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये बताना है आपको आंसर, क्योंकि इतना मैं आपको बता चुकी हूँ वाइगोत्स्की के बारे में, तो ये आपको आंसर आ ही गया होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उसको हम हिस्टोरिकल और कल्चरल एक्सपीरियंस के थ्रू समझ सकते हैं, ये उन्होंने बेसिकली बात की थी, है ना। मतलब बच्चे के कल्चर से आप उसको अलग नहीं कर सकते, बच्चे की हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, बच्चे के कल्चर में आपको झांकना पड़ेगा, और तब उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो पाएगी, ठीक है। उसको आप समझेंगे भी तब जब आप उसकी हिस्ट्री को और उसके कल्चरल एक्सपीरियंस को जानेंगे। यहाँ पे बच्चे की हिस्ट्री है, ठीक है, बच्चे बच्चे का किस तरह का बैकग्राउंड है, बच्चे ने किस तरह के एक्सपीरियंस लिए हैं पहले, ये सब यहाँ उसकी बात है। यहाँ पर हिस्ट्री में मत चले जाना, अकबर वगैरह की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट है, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर ही सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बी इज द राइट ऑप्शन वाइगोत्स्की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भाई मिक्स हो जाते हैं थोड़े से, दो क्वेश्चन लगातार आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वाइगोत्स्की इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कल्चरल सोशल आपको अब रट गया होगा कि हाँ भाई ये तो इसमें वाइगोत्स्की ही आंसर होना है, तो ये चीज़ें भी होती हैं थोड़ी सी, तो इन चीज़ों से भी हेल्प मिलती है ना। प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना, प्रैक्टिस चाहे किसी तरह से हो जाए, देखिए प्रैक्टिस होगी तो रिपीटिशन से होगी ना। हम यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम कंसेप्ट को बार बार समझ रहे हैं और हमारे दिमाग में वो ऑलरेडी फिट होती जा रही है, मैं कह सकती हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनती चली जाएगी चीजें, है ना। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है MKO के बारे में, ठीक है। व्हाट डज द मोर नॉलेजेबल अदर गिवन बाय वाइगोत्स्की, मतलब जो वाइगोत्स्की ने ये जो मोर नॉलेजेबल अदर कहा था, मतलब दूसरा मोर नॉलेजेबल आदर्श क्या कहता है, मतलब देख लेना इसको हिंदी में क्या कहते हैं ना, ये इसका डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट ऐसे करता है। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या है, तो ये आपको आंसर करना है।
तो इन व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर लेसन प्रोसेस कंसेप्ट इट रेफर्स टू एनी वन हु हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी देन द लर्नर। ठीक है, अगर हम लेसन कंसेप्ट और प्रोसेस की बात करें तो ये उसके बारे की बात हो रही है जिसको मतलब कि ज़्यादा पता है बच्चे से, जो लर्नर जो पढ़ रहा है उससे ज़्यादा पता है। इट इज़ यूज टू द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू यूज द नॉलेज, यह ज्ञान का उपयोग करने की छात्र छात्राओं की क्षमता से संबंधित है। और इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटेटर्स टू जनरेट ए फेवरेबल सोशल एन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, यह ज्ञानार्जक के लिए एक अनुकूल, मतलब जो फैसिलिटेटर्स होते हैं जो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही फेवरेबल सोशल एन्वायरमेंट बना देते हैं इसके थ्रू बच्चे के लिए। ठीक है, ये है दे आर द टीचर्स ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर ये बच्चों के शिक्षक होते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर करो कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जो एम क्यू है वाइकोत्स्की ने कहा था, ये कोई भी हो सकता है जिसको बच्चे से ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, मतलब ये बच्चे का पीयर भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इस पीयर को जो है बच्चे से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर बच्चे से कम नॉलेज है किसी को तो हम उसको एम के ओ नहीं कह सकते। ठीक है, ये बोला था वाइकोत्स्की ने। अब इसमें देखिए, एडल्ट उसके मतलब जो बच्चे से बड़े लोग हैं, उसके रिलेटिव हैं, उसके माता पिता, शिक्षक सब आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन पीयर्स वाली बात पे इन्होंने ये कहा था वाइकोत्स्की ने। ठीक है, पीयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन पीयर्स को ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए बच्चे से ज्यादा। ठीक है, बेसिकली आइडिया यही है कि जिस भी इंसान को, या जिस भी मतलब यही ऑब्वियसली इंसान ही कहेंगे, जिस भी इंसान को बच्चे से ज्यादा, यानी कि लर्नर जो सीख रहा है उससे ज्यादा अंडरस्टैंड है उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट की या प्रोसेस की जो वो सिखा रहा है, तो उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे। ठीक है, इसको एम के ओ भी बोलते हैं। आपके सामने डायरेक्ट एम के ओ पर भी आ सकता है कि एम के ओ का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये पूछ लेंगे, ये पूरी डेफिनेशन आपको नहीं देंगे, तो सिर्फ एम के ओ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये एम के ओ रोल प्ले करते हैं कहां पर, स्कैफोल्डिंग में, जेड पी डी में, है ना, इन सभी चीजों में ये एम के ओ रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वाइकोत्स्की। तो गाइज, ये थे आज के 10 क्वेश्चन, कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अपना स्कोर जो है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि देख भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब 200-250 कमेंट्स का रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल, तो आप लोगों के जो मतलब मिक्स्ड रिस्पॉन्स जो होता है उस पर मैं हर मतलब दो तीन वीडियोज के बाद थोड़े से व्यूज अपने देती रहूंगी, है ना। और बस अपनी तैयारी जारी रखिए, कंटिन्यूस रखिए, इतना रखो कि मतलब रट जाए चीजें बिल्कुल, है ना। रोट मेमोराइजेशन थोड़ा सा, मतलब मैं कहूंगी, मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रही हूँ पर्सनल, कि रटने की भी कला होती है कुछ, है ना। अगर उसको सही डायरेक्शन में रटा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गलत डायरेक्शन में अभी बैठ के एक क्वेश्चन को रटने लग जाओगे, इसका क्वेश्चन सी होगा सी होगा सी होगा यही लिखा है, ऐसे नहीं होगा, वो प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, ड्रिल और प्रैक्टिस होती है ना, उसी से आता है। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है आपकी, इसी में आपको हेल्प करेंगी, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, और थोड़ी स्किल अपनी डेवलप करो, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है फटाफट से देख के कर दिया करो, मतलब ये सोचा करो कि भाई हाँ सच में ये एग्जाम चल रहा है तुम्हारा। ओके, तो गाइज, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।